जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो सबसे ज़्यादा बात अगर किसी चीज़ की होती है तो वो है उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। सिमिलरली शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं उन्हें खरीदने या बेचने की बात आती है तब भी बात होती है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो की। तो फिर सवाल ये आता है कि इस प्राइस टू अर्निंग रेशो को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आखिर क्यों दिया जाता है? तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होता है, क्यों इसे इंपॉर्टेंस इतना दिया जाता है, साथ ही कितना प्राइस टू अर्निंग रेशो अच्छा होता है और कितना बुरा होता है। इस चीज़ का जवाब आप खुद ही इस वीडियो को देखने के बाद दे पाएंगे। देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो हम समझेंगे ही समझेंगे, उसके आगे भी एक दुनिया है, वहाँ पर भी हम जाएंगे और एक डेप्थ में जाकर इस टॉपिक को आपको समझाएंगे इतनी आसान भाषा में कि हर कोई बड़ी आसानी से इसे सीख पाएगा। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो एक वैल्यूएशन रेशियो है। और फिर होता यह है कि जैसे ही वैल्यूएशन का नाम आता है लोग थोड़े डर जाते हैं, क्योंकि सुनने में भी थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है और कई बार वैल्यूएशन में अल्फा बीटा गामा की बातें होती है तो लोग और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसान भाषा में इसे समझेंगे। तो क्योंकि आपको भी इसलिए समझ में आएगा क्योंकि वैल्यूएशन जो है आप सभी को आता है, आप में से एक भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसे वैल्यूएशन नहीं आता हो। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं, आप डेली बेसिस पे ये करते हैं। तो देखिए, जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं या फल सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि दुकानदार ने बोला कि 2000 रुपये का शर्ट है और कई बार आपको लगता है कि 2000 रुपये वो ज़्यादा बता रहा है, तो आप क्या बोलते हो कि आप ज़्यादा बता रहे हैं, बताइए फाइनल प्राइस क्या होगी। अगर आपको लगता है कि उस शर्ट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1500 रुपये के करीब है तो आप उसे कहेंगे कि आप 1500 या उससे कम में आप लेने की कोशिश करेंगे। यही होता है, कई बार आप फल खरीदने जाते हैं, कोई बोलता है कि एप्पल आपको मिलेगा 150 रुपये 200 रुपये पर किलोग्राम, आपको लगता है कि नहीं उसकी वैल्यू उतनी नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम, तो आप फिर उनसे नेगोशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो प्राइस बता रहा है और जो वैल्यू आपके दिमाग में ये मैच नहीं हो पाता, इसलिए वो उस दुकान से चले जाते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो वैल्यू आपको सही नहीं लगी। मतलब देखिए, वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं इसके बारे में कि प्राइस इज व्हाट यू पे। देखिए, सेंटेंस ही आपको वैल्यूएशन समझ में आ जाएगा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। इसको और आसान करो, देखिए आप एक पार्ले जी लेते हो, पार्ले जी 5 रुपए का, तो ये क्या है, 5 रुपए आपने प्राइस पे किए इसके, उसके बदले में आपको वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी आपको? सोलह बिस्किट आपको मिलेंगे। 5 रुपये आपने दे दिए, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट, 16 बिस्किट आपको मिल गए। अब आप 5 रुपये पार्ले जी के लिए इसलिए पे कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ये जो 16 बिस्किट मिल रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो भी 5 रुपये के करीब है। सही बात। अब पार्ले जी कल जाकर डिसाइड करता है कि ये जो पार्ले जी का बिस्किट है, 16 पार्ले जी का पैकेट है 16 बिस्किट वाला, वो हम कल से 50 रुपये कर रहे हैं। आप में से लगभग हर कोई बोलेगा कि हम नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि फिर आपको समझ में आ गया कि ये जो वैल्यू मिल रही है हमें उसके कंपैरेटिवली जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, 50 रुपये कोई नहीं देगा। तो इस तरह सबकॉन्शियसली जो भी चीज़ आप खरीदते हैं आपके घर के लिए, खुद के लिए, तो आप ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में करते रहते हो, वैल्यू आप उसकी निकालते रहते हो। प्राइस चाहे कुछ भी होने दो, आप वैल्यू निकालते रहते हो। जब आपको लगता है कि हाँ, जो प्राइस है और जो हमारी दिमाग में वैल्यू है वो मैच हो रही है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जो वैल्यू आपके दिमाग में उससे कम प्राइस में कोई चीज़ आपको मिल जाती है, तब आप उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं और यही वैल्यूएशन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब शेयर मार्केट की बात आती है तो वैल्यूएशन सुनकर लोगों को डर लगता है, जबकि हर कोई वैल्यूएशन निकालते रहता है। आप कोई भी चीज़ आपके, मतलब जनरली होता ही है कि कई बार घर के सामने भी लोग अलग अलग चीज़ें, चेयर बेचने आता है कोई, अलग अलग चीज़ें बेचने आता है, तब भी हम इसी तरह की चीज़ें करते हैं। सामने वाले को कुछ भी होता है का प्राइस, अगर आपको वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो आपको मूर्ख बना सकता है, लेकिन अगर आपको वैल्यू की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आपको मूर्ख कोई नहीं बना सकता। और यही चीज़ शेयर मार्केट में भी अप्लाई होती है। यहाँ पर हज़ारों कंपनीज है, हर कंपनी हर दिन अलग अलग प्राइसेस लेकर आती है। जैसे आपको पता है हर एक सेकंड में प्राइस चेंज होती रहती है, लगातार प्राइसेस चेंज होती रहेगी, लेकिन अगर आपको वैल्यू पता है तो आप यहाँ पर नहीं फंसेंगे। और इसी चीज़ के बारे में समझने के लिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो यूज़ किया जाता है। अब ये देखिए, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसे मार्केट कैप भी बोलते हैं, उसको आप डिवाइड कीजिए, डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। अब देखिए, दोनों चीज़ें समझ लेते हैं।
मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें पता चलती है कंपनी की साइज़, यानी कि अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1,000 करोड़ का है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये कंपनी, इस कंपनी की साइज़ 1,000 करोड़ है, और अगर आपको आज उस कंपनी को ख़रीदना है तो 1,000 करोड़ में आप उसे खरीद सकते हैं। तो शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनीज़ हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको उसके नीचे लिखा हुआ मिलता है, यानी कि वो उस कंपनी के उससे, जैसे कि रिलायंस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, वो अभी फ़िलहाल लगभग 14-15 लाख करोड़ है, यानी कि उसकी साइज़ जिससे हमें पता चलता है कि बहुत बड़ी है, वो फ़िलहाल इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। साथ ही हमें ये भी समझ में आता है कि 15 लाख करोड़ में आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ख़रीद सकते हैं अगर कंपनी के जो लोग हैं शेयर होल्डर से, ओनर से, वो कंपनी बेचने के लिए तैयार है। तो मार्केट एडिशन से ओवरऑल हमें कंपनी की साइज़ पता चलती है और नेट प्रॉफिट हमें ये बताता है कि कंपनी को कितना मुनाफा हुआ है। देखिए, कोई भी कंपनी जो अपना बिज़नेस चला रही है उसका मेन उद्देश्य तो यही होता है कि नेट प्रॉफिट कमाना, ताकि उस प्रॉफिट की मदद से कंपनी और तेज़ी से ग्रो हो सके। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला ऐसा सिंपल सा है। तो मान लेते हैं कि ये कंपनी है ABC, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1,000 करोड़ का, और इसका जो सालाना नेट प्रॉफिट है वो 100 करोड़ का है। तो आप बताइए कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना निकल कर आएगा? 10। अब सवाल ये आता है कि ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 10, ये कम है या ज़्यादा? क्योंकि जनरली ऐसा परसेप्शन है, जनरल परसेप्शन ऐसा है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर कम है तो अच्छी चीज़ है, ज़्यादा है तो शेयर महंगा है, ऐसा माना जाता है। तो क्या ये जो जनरली माना जाता है ये सही है, सच है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर नज़र डालते हैं तो जनरली इसे कंपनी के जो कंपटीटर्स हैं उनसे कंपेयर किया जाता है। मैं एक IT कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ, TCS का। TCS का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 29.21। तो हमें यहाँ पर उस पी रेशो को कंपनी के जो कंपटीटर्स हैं, जैसे कि इन्फोसिस, HCL है, विप्रो है, LTI माइंडट्री है, वगैरह वगैरह, इनसे हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि कंपटीटर्स में जितना कम उतना बेहतर, और जितना ज़्यादा उतना डेंजरस, ऐसा माना जाता है। पर क्या ये सच है? तो चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। जैसे ये कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस, इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो है 0.02, बहुत कम है। तो क्या इसका ये मतलब है कि इसका पी रेशो बहुत कम है तो ये बहुत अच्छी कंपनी है? तो ये आप ही बताइए। अभी ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जिसमें हमें पता चलेगा कि कंपनी का रेवेन्यू कितना रहा है। तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो ये लगातार कम होते चला गया, 2,000 करोड़ से फिर अभी 200 करोड़ पर आ गया है, और वहीं पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। इसमें भी और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, 217 करोड़ का रेवेन्यू है और प्रॉफिट है 5,000 करोड़ का, यानी कि जो प्रॉफिट है वो अलग जगह से आया है। तो यानी कि यहाँ पर कंपनी स्ट्रगल करती हुई क्लियरली नज़र आ रही है। एक और कंपनी लेते हैं, जालान ट्रांसोल्यूशंस। इस कंपनी का पी रेशो सिर्फ 3 है, लेकिन अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नज़र डालते हैं तो अगेन यहाँ पर कंपनी कभी प्रॉफिट कभी लॉस, इस तरह की कंपनी की जर्नी शुरू है। देखिए, अभी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनीज भी इस दौरान आपको मिलेगी, जैसे कि ये कंपनी है, इसका पी रेशो है 3 का, सिर्फ 3 का, और इसकी जो एनुअल ग्रोथ है वो 30% की है। तो आप बोलेंगे ये तो एकदम जैकपॉट लग गया, लेकिन अगर आप थोड़ी और अकाउंटिंग डिटेल्स में जाते तो पता चलता है कि इन्होंने जो अपने सारे नंबर्स है वो मैनिपुलेट किए हैं, और इस कंपनी का नाम है ब्राइटकॉम। तो देखिए, इस तरह की चीज़ें आप भी पता कर सकते हैं। और अब होता क्या है कि अगर आप किसी इन्वेस्टर के सर्कल में हैं तो फिर वहाँ पर आपको इन जैसी जो चीज़ें हैं, जैसे अगर कोई फ्रॉड करता है या फिर अकाउंटिंग मैनिपुलेशन करता है, तो ये चीज़ें थोड़ी पहले पता चल जाती है। पर प्रॉब्लम यह है कि भारत में कई सारे आज इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनका कोई ऐसा इन्वेस्टिंग का फ्रेंड सर्कल नहीं है, जहाँ पर वो अकेले रह जाते हैं। और इसीलिए हमने बनाए हैं द फाइनेंस क्लब बाय प्रसाद, जहाँ पर हजारों लोग पिछले कुछ महीने में जुड़ चुके हैं, और यहाँ पर इन्वेस्टर्स आपस में कई सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, साथ ही अपने सवाल भी Q&A सेशन में पूछते हैं, जिससे आपको भी कई सारी ऐसी चीज़ें पता चलती है जो शायद ही आपको पता होती। साथ ही इस फाइनेंस क्लब में हम जल्द ही फाइनेंशियल क्विज शुरू करने वाले हैं, जहां पर आप काफी सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए आप इन दो नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल के जरिए, या फिर सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो आज ही फाइनेंस क्लब बाय प्रसाद ज्वाइन कीजिए और इन्वेस्टिंग की दुनिया की कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों से अपडेट रहिए। और इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ जहां पर पी रेशो बहुत कम है लेकिन एट द सेम टाइम कंपनी बहुत स्ट्रगल कर रही है। तो जनरली ये जो परसेप्शन है कि पी रेशो कम है तो अच्छी चीज़ है, पी रेशो ज़्यादा है, ये एक्चुअली कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, ये पूरी तरह से सच नहीं है। अब सच क्या है? तो सच ये है कि सिर्फ पी रेशो देखने से काम नहीं चलता है, तो उसके साथ साथ आपको और भी अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें मैं समझाता हूँ, बड़े आसान से एग्जाम्पल से। अब देखिए, मान लेते हैं कि दो कंपनीज़ हैं,
एक कंपनी का नाम है इंडिया और दूसरी कंपनी का नाम है पाकिस्तान। इंडिया का जो पीई है वो है 40 का और पाकिस्तान का पीई है वो 30 का है। तो जनरल परसेप्शन क्या है? जनरल परसेप्शन ये कहता है कि मान लेते कि दोनों एक ही इंडस्ट्रीज की कंपनी है तो पी रेशो को जनरली उसी इंडस्ट्री की बाकी कंपनी से कंपेयर किया जाता है। जैसे हमने शुरुआत में किया TCS को बाकी IT कंपनीज के पी रेशो से कंपेयर किया, हम फिर आएंगे वापस वहाँ पर। तो अगर इंडस्ट्री में किसी कंपनी का पी रेशो कम है तो जनरली वो अच्छा माना जाता है, पर क्या ये पूरी तरह से सच है? तो उस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों कंपटीटर कंपनीज है। भारत का जो पी है वो 40 है, पाकिस्तान का है 30, तो इस हिसाब से पाकिस्तान का पी रेशो बेटर है और पाकिस्तान बेटर कंपनी शायद आपको दिख रही होगी। लेकिन मैं आपको इसमें एक और फैक्टर बता देता हूँ जिसके बाद शायद आपका जो परसेप्शन है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की। यहाँ पर ग्रोथ मतलब प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों की ग्रोथ। तो इंडिया की जो ग्रोथ चल रही है प्रॉफिट और रेवेन्यू में वो 30% सालाना चल रही है और पाकिस्तान की जो ग्रोथ चल रही है सालाना रेवेन्यू और प्रॉफिट में वो 5% की है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी कंपनी बेटर पोजीशन पर आपको दिख रही है प्राइस टू अर्निंग रेशो को लेकर। तो बस एक फैक्टर आ गया और चीज़ें बदल गई। यहाँ पर 30 का पी रेशो पाकिस्तान का है, इंडिया से कम है, लेकिन ग्रोथ तो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो साइड में तो अच्छा दिख रहा है कि कम है तो बेटर है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ 5% की। वहीं पर इंडिया का पी रेशो 40 का है, ऑफकोर्स पाकिस्तान से महंगा है पर ग्रोथ पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा। तो इसीलिए जब भी आप किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो निकालो तो सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशो को एक आइसोलेशन में मत देखो, अकेले में मत देखो, उसे आप बाकी फैक्टर से कंपेयर करो। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ देख लीजिए, आप कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए और उससे आप उस चीज़ को कंपेयर कीजिए, तब आपके पास एक क्लियर पिक्चर आएगी जो आपको एक बेटर इनसाइट देगी। अब जो यहाँ पर हमने पी रेशो को ग्रोथ से कंपेयर किया इसे कहते हैं पीजी रेशो, जिसे इन्वेंट किया था पीटर लिंच ने। पीटर लिंच जो है वो एक बहुत बड़े फंड मैनेजर है, बहुत सक्सेसफुल फंड मैनेजर है और 1980s के दौरान लगातार 18-19 साल तक इन्होंने कंपाउंडेड सालाना 19% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए थे, जो कि उस टाइम के जो एनुअल रिटर्न्स मिल रहे थे स्टॉक मार्केट से, ओवरऑल स्टॉक मार्केट से, उससे काफ़ी ज़्यादा थे। पीटर लिंच के बारे में वीडियो के एंड में आपको और कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, लेकिन अभी हमें ये भी समझना होगा कि ये पीईजी रेशो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पुराने एग्जाम्पल की तरफ आते हैं और यहाँ पर हमने देखा था कि TCS का जो पी रेशो है वो 29 है और इस पूरे सेगमेंट में अगर सबसे कम पी रेशो है तो वो है विप्रो का। तो कई सारे लोग फिर क्या सोचते हैं कि विप्रो का कम है तो विप्रो खरीद लेते हैं। यहाँ पर हम विप्रो पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद विप्रो का पी रेशो 18.8 यानी लगभग 19 का है और कंपनी की अगर मैं पिछले 10 साल की ग्रोथ देख लूँ रेवेन्यू और प्रॉफिट की, तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ है 9% की कंपाउंडेड सालाना और कंपनी के पिछले 10 साल में कंपाउंडेड सालाना जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 7% की और ये जो ग्रोथ रेट है ये FD के करीब है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो काफ़ी बेहतर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इस कंपनी में मान लीजिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इससे ज़्यादा रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन आपके नहीं होने चाहिए। तो जनरली जो भी कंपनी जिस स्पीड से ग्रो कर रही है वही स्पीड आपको कंपनी के शेयर प्राइस में भी लॉन्ग टर्म में दिखती है। अब पीजी रेशो हमें ये बताता है कि जो कंपनी का पी रेशो है जो अभी चल रहा है, जैसे कि फिलहाल अराउंड 19 के करीब विप्रो का पी रेशो चल रहा है, तो वो रेशो हमें ये बताता है कि कंपनी की ग्रोथ भी उतनी ही होनी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि कंपनी फेयरली वैल्यूड है। अगर ऐसा नहीं है, अगर पी रेशो ज़्यादा है और ग्रोथ कम है, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। और कई बार ऐसा भी होगा कि पी रेशो 10 का और कंपनी की ग्रोथ 20% की है, तो हम उस सिचुएशन में कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो एक अंडर वैल्यूड कंपनी है अकॉर्डिंग टू पीईजी रेशो। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7-8% की जो ग्रोथ चल रही है ऑन एन एवरेज, उसके कंपेरेटिवली पीईजी रेशो जो है 19 का है। तो देखिए जनरली क्या है कि जो भी आपका पी रेशो है ना, आपकी कंपनी की ग्रोथ एटलीस्ट यानी कम से कम उससे आधी होनी चाहिए, यानी 20 का पी है तो 10% की ग्रोथ होनी चाहिए, अगर 19 का पी है तो एटलीस्ट 9.5% की आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। एंड दैट इज़ वाई वी कैन से दैट कि अकॉर्डिंग टू पीजी रेशो दिस स्टॉक इज़ बिट ओवर वैल्यूड। तो वही चीज़ अगर हम सिर्फ पी रेशो को देखकर बताते तो शायद आपको लगता कि नहीं नहीं अच्छी कंपनी है, कम पी रेशो है, लेकिन जैसे हमने ग्रोथ का फैक्टर इसमें ऐड कर दिया पिक्चर काफ़ी अलग हो गया। अब इस तरह की चीज़ें जो है ना उससे आपको एक क्लैरिटी भी आती है कि सही में किस तरह की ग्रोथ है। तो अगर कोई कंपनी ऐसी है जो 100 का पी रेशो मांग रही है तो सिर्फ पी रेशो देखकर आपको लगेगा कि ये तो बहुत महंगा है, लेकिन अगर वो कंपनी 100 का पी रेशो लेकर
आपको 70-80% की सालाना बिजनेस ग्रोथ हो रही है वहाँ पर, तो फिर वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मिनिमम जो भी पी रेशो, उसकी 50% ग्रोथ एटलीस्ट होनी चाहिए, और यही पी जी रेशो हमें बताता है, अदरवाइज़ वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अब देखिए, पूरे मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो जनरली तीन तरीके की वैल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं। पहली है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड, दूसरी टेक्निक जो है वो है कंपैरेटिव कंपनी एनालिसिस मेथड, और तीसरी जो है वो है डीसीएफ मेथड, यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ये तीन मेथड चलती हैं, और ये जो पी रेशो है या पी जी है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कंपैरेटिव कंपनी एनालिसिस मेथड। इसमें और भी कुछ रेशोज़ हैं जैसे कि प्राइस टू सेल्स रेशो, और इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। तो जनरली देखो, ये एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड जो है ना, ये बहुत पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी, जब मेनली कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड होती थी। अब होता क्या था कि कई सारी कंपनीज ऐसी होती थी जिसका मान लीजिए कि मार्केट कैप चल रहा होता था 100 करोड़ का, और फिर कंपनी के पास लैंड और बाकी प्रॉपर्टीज ही निकलती थी 300-400 करोड़ की। तो ऐसे में अगर वो कंपनी ठीक ठाक भी परफॉर्म कर रही है तो भी कंपनी अंडर वैल्यूड दिख जाती थी एसेट बेस्ड वैल्यूएशन की मदद से। कई बार उसके पास लैंड या फिर बाकी जो उसके प्लांट से उसके वैल्यूएशन उसके मार्केट कैप से भी बहुत ज़्यादा निकलता था। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पहले बहुत मिला करती थी, मतलब आज से 20-25 साल पहले, जब मार्केट में अवेयरनेस कम था, इन्वेस्टर्स की संख्या कम थी, और कंपनीज़ भी बहुत एसेट हेवी थी, मतलब जिसके लिए लैंड लगेगी बिजनेस करने के लिए, प्लांट्स लगेंगे। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। तो आज के डेट में आप देखेंगे कि NBFCs हैं, IT कंपनीज़ हैं, बहुत एसेट लाइट कंपनीज़ हैं, कोई फैक्ट्री वगैरह बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत कम पैसों में भी काफ़ी अच्छी खासी मार्जिन से ये कंपनीज चलती रहती हैं। तो एक तो वो प्रॉब्लम हो गया, दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई, पर्टिकुलरली 2006-07 के बाद, जैसे जैसे इंडिया में बड़े बड़े IPO आने लगे। रिलायंस पावर का एक काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव IPO था जिसने काफ़ी सारे लोगों को मार्केट की तरफ खींचा, और उसके बाद फिर 2020 का तो सबको पता ही है, और उसके बाद जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ने लगी तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ तो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती आज के डेट में, अगर बहुत ही रेयर। और दूसरी तो एसेट लाइट कई सारी बिजनेस है तो वहाँ पर ये मेथड अप्लाई भी नहीं होती। फिर आता है कंपैरेटिव कंपनी एनालिसिस मेथड। ये सबसे ज़्यादा चलने वाली जो वैल्यूएशन टेक्निक है वो है कंपैरेटिव कंपनी एनालिसिस मेथड, जिसमें पी रेशो है और पीएस रेशो है, ये दो टेक्निक्स चलती हैं। देखिए, पी रेशो तो हमने समझ लिया, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, जिसका फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। वहीं पर कई सारी कंपनीज ऐसी हैं, पेटीएम का एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी लगभग 2 साल पहले स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। इसका अगर देखेंगे तो स्टॉक पी का जो सेक्शन है वो खाली है। अब आप सोचेंगे खाली क्यों है, हर कंपनी का तो दिखता है, कुछ कुछ कंपनी का ये खाली होता है। तो ये कोई एरर नहीं है, ये कोई वेबसाइट में भी प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ इसलिए है कि ये जो कंपनी है ये कंपनी लॉस में है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो निकालने के लिए आपका डिनोमिनेटर जो है रेशो में वो नेट प्रॉफिट है, आपका नेट प्रॉफिट है ही नहीं, आप तो लॉस में है तो वो तो निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए कई सारी कंपनीज़ फिर प्राइस टू सेल्स रेशो निकालती हैं। प्राइस टू सेल्स रेशो में क्या होता है कि इसका जो फॉर्मूला है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय रिवेन्यू, यानी फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो कि बॉटम लाइन कहा जाता है, उसे सबसे नीचे वाली लाइन होती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, उसे ना लेते हुए यहाँ पर रिवेन्यू को लिया जाता है, यानी कि सेल्स आपका। क्योंकि अगर बिजनेस आपका चल रहा है तो सेल्स तो आपका होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि सेल्स नहीं है तो मतलब कंपनी बंद हो गई या फिर नहीं चल रही है। तो फिर प्राइस टू सेल्स रेशो में मार्केट कैप डिवाइडेड बाय रिवेन्यू लिखा जाता है। बट इसमें प्रॉब्लम ये होता है, इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जेस्ट मनी नाम की एक कंपनी है और उसके जो रिवेन्यू है ये कुछ इस तरह के, आप देखेंगे रिवेन्यू में लगातार ग्रोथ हो रही है, लेकिन अगर आप थोड़ा बॉटम लाइन की तरफ आएंगे तो फिर लॉसेस कुछ इस तरह के हैं, और अभी कुछ ही दिनों पहले ये कंपनी बंद हो गई। तो रेवेन्यू ग्रोथ बहुत तेज़ी से भी है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ग्रोथ जो है रेवेन्यू के प्रॉफिट में तब्दील हो रही है या नहीं। और अगर कोई आपका रेवेन्यू प्रॉफिट में तब्दील नहीं हो रहा है तो फिर वो रेवेन्यू कुछ काम का नहीं है। तो इसीलिए अगर ठीक है 1-2 साल में कंपनी बुलिश है कि हो जाएगी प्रॉफिटेबल तो ठीक है, लेकिन अगर अदरवाइज आप 10-15 साल चल ही रहे, प्रॉफिट का कोई नामो निशान नहीं है, तो वो बहुत रिस्की चीज़ हो जाती है। बिकॉज हर एक बिज़नेस का एक मेन उद्देश्य यही होता है कि प्रॉफिट कमाना और प्रॉफिट से ग्रो करना, ना कि ज़्यादातर आपकी डिपेंडेंसीज एक्सटर्नल फंडिंग या फिर कर्जे पर होनी चाहिए। आपकी मेन डिपेंडेंसी आपके प्रॉफिट पर होनी चाहिए कि प्रॉफिट से बढ़े। हाँ, आप तेज़ी से बढ़ने के लिए कर्ज ले सकते हैं,
फंडिंग भी उठा सकते हैं, बट मेन फोकस आपको प्रॉफिट पर होना चाहिए। और अगर वहीं पर वही नहीं है तो आई थिंक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसीलिए फिर प्राइस टू अर्निंग रेशो मैं तो बिल्कुल भी सलाह नहीं देता हूँ कि आपको ये चेक भी नहीं करना चाहिए, आपको देखना भी नहीं चाहिए। ये बहुत ही रिस्की है और कुछ भी काम का नहीं है, इट इज़ ऑफ नो यूज़। आपका फोकस नहीं होना चाहिए प्राइस टू सेल्स पर। अब ये जो प्राइस टू सेल्स रेशो है ना, ये मेनली स्टार्टअप्स में काफ़ी यूज़ किया जाता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते ये है जोमैटो और ये है स्विगी, दोनों भी फूड डिलीवरी कंपनीज हैं। जोमैटो का मान लेते कि रेवेन्यू है 1,000 करोड़ का, हम ये हाइपोथेटिकल अजम्पशन है, ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ। ये है इनका रेवेन्यू और इनका मान लेते कि वैल्यूएशन जो है, इनका वैल्यूएशन है 10,000 करोड़ का, यानी रेवेन्यू के 10 टाइम है, 10x। स्विगी जिसका मान लेते कि रेवेन्यू निकल कर आता है 800 करोड़ का, तो स्विगी क्या बोलेगी कि हमें भी वैल्यूएशन कितना चाहिए, 10x चाहिए, क्योंकि मेरे कंपटीटर का वैल्यूएशन रेवेन्यू से 10x है, यानी ये वैल्यूएशन मांगेगी 8,000 करोड़ का। तो इस तरह से स्टार्टअप्स में वैल्यूएशन काम करता है, क्योंकि ज़्यादा स्टार्टअप्स जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं होते, लॉस में होते हैं। लेकिन इस तरह की टेक्निक्स मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इससे क्लैरिटी नहीं आती है। और मे बी यही रीज़न है कि यहाँ पर वैल्यूएशन बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। जो बायजूस जिसका वैल्यूएशन अभी कुछ ही दिनों पहले 1.5 लाख करोड़ था, उसका वैल्यूएशन अभी 25,000 करोड़ हो गया है। कहाँ 1.5 लाख करोड़, कहाँ 25,000 करोड़। प्राइवेट मार्केट में पेटीएम का वैल्यूएशन भी एक टाइम 1.25 लाख करोड़ के करीब चला गया था, आईपीओ भी उन्होंने लगभग 1.5 लाख करोड़ के करीब लाया, अभी इसका वैल्यूएशन 50,000 करोड़ है। तो ये चीज़ें होती है जब आप सिर्फ रेवेन्यू के बेसिस पर वैल्यूएशन निकालते हो। तो रियल मेट्रिक है प्रॉफिट, और वो आपको प्राइस टू अर्निंग रेशो में ही मिलता है। और इसीलिए प्राइस टू अर्निंग रेशो पर ही ध्यान दो, पीएस रेशो जो है उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। और इसके आगे, तो ये तो हो गया कंपेरेटिव कंपनी एनालिसिस मेथड, इसके आगे एक और मेथड है जिसका नाम है DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। जहाँ पर, यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं कि PEG रेशो से ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी, किस कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है, किसका कम है, यानी कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है, कौन सी ओवर वैल्यूड है। लेकिन DCF जो मेथड है वो हमें एग्जैक्ट कंपनी की वैल्यू बताती है। यानी कि मान लीजिए किसी कंपनी की शेयर प्राइस चल रही है 1,000 रुपये, तो DCF मेथड से आप ये पता कर सकते हो, ये होगी इसकी प्राइस। DCF मेथड से आप ये पता कर सकते हो कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, दैट यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ DCF मेथड। अब ये क्या है, DCF मेथड कैसे काम करती है, इसके बारे में हम कभी ज़रूर टच करेंगे इस पॉइंट को। और आपके मन में जो भी कुछ टॉपिक्स हैं कि हमें शेयर मार्केट रिलेटेड और कौन कौन से टॉपिक्स पर आप जानना चाहते हैं बहुत डिटेल में, बहुत आसानी से, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इतनी आसानी से हम आपको सारे टॉपिक समझाएंगे ताकि आप पूरा शेयर मार्केट बड़ी आसानी से समझ पाओगे और इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। बिकॉज ज़्यादातर चीज़ें जो हमने बताई वो आपको किताबों में या कहीं पर बहुत रेयरली मिलेगी, और ये कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस की ये आपको इजीली नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो रियल मार्केट में वर्क करती हैं, ये कोई बुकिश चीज़ें नहीं हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों पर अगर आप फोकस करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तो एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो इन चीज़ों को ज़रूर प्रैक्टिस करें। और जहाँ तक बात रही DCF की, तो इसे कवर करना है नहीं करना कमेंट में ज़रूर बताइए, और कौन से टॉपिक्स आपका जानना चाहेंगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और जाते जाते जैसे मैंने बताया कि पीटर लिंच जो कि बहुत एक लेजेंडरी फंड मैनेजर है, इनकी कई सारी किताबें हैं मार्केट में। अगर आप बिगिनर हैं तो लर्न टू अर्न से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप 1 अपॉन वॉल स्ट्रीट पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद आप बीटिंग द स्ट्रेट उनका तीसरा बुक है वो पढ़ सकते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने मिलेगी पीटर लिंच से। और अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके जो भी दोस्त रहेंगे उनके साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पर और बाकी जगह पर, ताकि उन्हें भी प्राइस टू अर्निंग रेशो इन सारी चीज़ों के बारे में बड़ी आसानी से पता चले। और जाते जाते हमारे फाइनेंस क्लब को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।